Hello everyone, welcome to NIOS Vision Point. My name is Khushboo Agrawal and I'm your business studies trainer. I hope आप सबने मेरा last जो दो lectures थे उसको attend किया होगा और आपने देखा होगा. तो हमने first lecture में पढ़ा था economic activities के बारे में, जिसमें हमने तीन activities पढ़ी थी, business, profession and employment, right? तो आज हम detail में business के बारे में पढ़ेंगे. What is the exact meaning of business? एंड हम बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स गो अहेड. व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस में आपने यहाँ डायग्राम देख रहे होंगे, खरीदना बेचना, बाय एंड सेल, राइट? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट टाटा कंपनीज. दे मैन्युफैक्चर सो मेनी थिंग्स, फ्रॉम सॉल्ट टू ट्रक्स एंड बसेस, एंड सेल दीज टू इंडिविजुअल्स लाइक यू एंड मी. सो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे हमने टाटा की बात की है. अब टाटा क्या करता है? गुड्स प्रोड्यूस करता है, बड़े बड़े गुड्स बनाता है, छोटे गुड्स बनाता है, और अल्टीमेटली वो क्या करता है? हम जैसे लोगों को सेल करता है, राइट? सो अब हम बात करें शॉपकीपर की. शॉपकीपर्स क्या करते हैं? जब आप हम सामान खरीदने जाते हैं, रोज़ हम सामान खरीदते हैं, हम सब्जियों से लेकर के, राशन से लेकर के, हम अपनी पेन, पेंसिल, कॉपी, घर के सामान, बहुत सारी चीज़ें परचेज करते हैं, राइट? सो शॉपकीपर्स क्या करते हैं हमारे लिए? हम क्या करते हैं? वो हम उनके पास जाते हैं, उनके पास क्या होता है? बल्क में सामान होता है, ज़्यादा क्वान्टिटी में सामान होता है, राइट? और हम उनसे जाके उस सामान को क्या करते हैं? गुड्स को क्या करते हैं? परचेज करते हैं, खरीदते हैं, राइट? सिमिलरली हम सब टीवी देखते हैं हमारे घर में. बीइंग अ स्टूडेंट, लोग मोबाइल देखते हैं आजकल ज़्यादा, बट मम्मी लोगों के घर में जो लोग क्या करती है, टीवियाँ देखती है. अभी बिग बॉस ख़त्म हुआ है, लोग रात में बिग बॉस देख रहे थे. तो अब क्या है, रोज़ केबल रिचार्ज कराना होता है. केबल रिचार्ज के लिए हम किससे कॉन्टैक्ट करते हैं? हमारे केबल प्रोवाइडर से, राइट? सो ऑल ऑफ देम आर सेट टू बी एंगेज इन बिजनेस एंड आर कॉल्ड बिजनेसमैन. तो ये जितनी भी एक्टिविटीज जहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तो इस एक्टिविटीज को क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं. ओके, सो व्हाट इज द मेन एम ऑफ बिजनेस? बिजनेस एक्टिविटीज का मेन मोटिव या मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट कमाना. भाई अब हम किसी शॉप में गए, शॉप में जो सामान खरीदते हैं लोग, हमें अच्छे से पता होता है कि वो इंसान काम क्यों कर रहा है. भाई अपना वो पूरा दिन लगा रहा है. अगर किसी के फादर बिजनेस में है या कोई खुद बिजनेस करता है, तो आपने देखा होगा बेचारा सुबह 10 बजे से जा रहा है इंसान, रात के 10 बज जाते हैं, दिन भर मेहनत कर रहा है और कस्टमर्स आ रहे हैं, सामान सेल कर रहा है, हर किसी को हंस के ट्रीट कर रहा है. ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि उसका मेन मोटिव क्या है यहाँ पे? प्रॉफिट अर्न करना, पैसे कमाना, राइट? दस द टर्म बिजनेस रिफर्स टू ह्यूमन एक्टिविटीज. तो टर्म बिजनेस एक्टिविटी करता कौन है? ह्यूमंस करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ह्यूमन एक्टिविटी, विच इन्वॉल्व प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलरली. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनको प्रोड्यूस किया जाता है और फिर एक्सचेंज किया जाता है. कैसे? रेगुलरली, सामान का आदान प्रदान, राइट? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एंड यहाँ पे हमारा मेन मोटिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट. ओके, अब मैं जब अगली स्लाइड बताना शुरू करूंगी, तो इससे पहले आप लोगों के दिमाग में अलग अलग बिजनेस आ जाने चाहिए. आपकी लोकेलिटी में ही एक बार दिमाग घुमाइएगा और याद करिएगा कि कितने तरीके के बिजनेस देखते हैं आप लोग, लोग कितने अलग तरीके के बिजनेस कर रहे हैं. आप अपनी लोकेलिटी के आसपास ही या कुछ एटलीस्ट 5 to 10 शॉप्स को याद करिए, या आप अपने दिमाग में लाइए कि मैं अपने आसपास कैसे बिजनेस को देख रहा हूँ. ओके, सो इससे आपको एक आइडिया लगेगा एग्जैक्टली बिजनेस में हो क्या रहा है. एक तो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे, डेली ये काम हो रहा है, राइट? और वहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है. सामान के बदले में हम पैसे देते हैं, राइट? एंड उससे वो शॉपकीपर या जो भी बिजनेसमैन है वो क्या अर्न करता है? प्रॉफिट अर्न करता है, राइट? सो एक बार दिमाग में ज़रूर ये बात सोचिएगा. ओके, सो द टर्म बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड बिजी. बिजी मतलब, तो ये जो बिजनेस है ये कहाँ से डिराइव हुआ है? टर्म बिजी में से डिराइव हुआ है, किसी चीज में इन्वॉल्व रहना, राइट? दस बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी. बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजी रहना, किसी काम में व्यस्त रहना, राइट? ओके, हाउएवर इन अ स्पेसिफिक सेंस बिजनेस रिफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन.
in which people regularly engage in an activity with a view to earning profit. लेकिन अगर हम बात करें business की, तो business है क्या? Business एक ऐसी activity है जिसमें लोग involve होते हैं. क्यों involve होते हैं? ताकि वो क्या earn कर सके? प्रॉफिट अर्न कर सके. राइट? प्रॉफिट अर्न करेंगे तभी क्या आएगा? उनका लाइवलीहुड आएगा. राइट? तभी वो अपनी लाइफ कंटिन्यू कर पाएंगे, जी पाएंगे, अपनी चीजें खरीद पाएंगे. राइट? ओके. बिजनेस मे बी डिफाइंड एज, नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस. ये बिजनेस की डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है. एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग रेगुलर प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स. सो बिजनेस क्या है? बिजनेस एक एक्टिविटी है. राइट? इसको हम ऐसे याद करेंगे, बिजनेस में भी डिफाइंड एज एक एक्टिविटी. ओके? जो क्या इन्वॉल्व करती है? अगेन रेगुलर. ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकेंड वर्ड हो गया, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जैसे मैंने आपको बताया. थर्ड आपका क्या हो गया? प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स. सब पहली हम तोड़ तोड़ के याद करेंगे. तो बिजनेस, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको यही याद कराने की कोशिश करेंगे. सो बिजनेस क्या है? एक एक्टिविटी है जिसमें क्या इन्वॉल्व है? रेगुलर. रेगुलर समझते हैं आप, हमेशा, रोजाना, जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है या फिर परचेज किया जा रहा है. इस बात को समझिएगा, कुछ बिजनेस क्या करते हैं? गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, प्रोडक्शन का काम करते हैं. ठीक है? कुछ होते हैं जो, वो कौन से कंसर्न कहलाते हैं जो गुड्स बनाते हैं? वो कहलाते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स. ओके? तो ये लोग क्या करते हैं? गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं. एंड जो गुड्स को परचेज करते हैं वो कैसे कंसर्न कहलाते हैं? ट्रेडिंग कंसर्न्स कहलाते हैं. राइट? तो इनका काम क्या होता है? ये बने बनाए गुड्स खरीदते हैं और फिर उसको क्या करते हैं? आगे बेचते हैं. ओके? सो मैन्युफैक्चर, या तो बिजनेस में दो काम होता है, या तो गुड्स को परचेज किया जाता है, कहीं और से खरीद के बने बनाए गुड्स उसको बेचा जाता है, या फिर गुड्स को क्या किया जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है. परचेज के लिए एक और वर्ड होता है हमारे बिजनेस में, जिसको बोलते हैं प्रोक्योर करना, PROCURE. तो अगर गुड्स को परचेज कर रहे हैं उसको ये भी बोल सकते हैं, गुड्स को कहीं से प्रोक्योर करना. ये एक और वर्ड है जो बिजनेस पे बहुत जगह आपको क्वेश्चन में मिलेगा, तो आप ये वर्ड भी सही और आप इसको यूज कर सकते हैं. क्योंकि मेरा मोटिव यहाँ पे ये है कि आपको, आपको आपकी जो टर्मिनोलॉजी है, आपको सारे वर्ड्स क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए कि बिजनेस में क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं. ओके? आगे बढ़ते हैं. इट सेज एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन परचेज गुड्स हो गया, गुड्स के अलावा सर्विसेज, हम इसको थ्री ले लेते हैं, पूरा ले लेते हैं, प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसको मैं रब कर देती हूँ यहाँ से. ओके? देन किस लिए लिया जाता है? फॉर सेल, ट्रांसफर एंड एक्सचेंज. तो ये आपका क्या हो गया? फोर्थ पॉइंट हो गया. सो बिजनेस एक एक्टिविटी है जिसमें रेगुलरली क्या किया जाता है? या तो गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, या तो गुड्स को परचेज किया जाता है. सिमिलरली सर्विसेज को भी. किस लिए? ताकि उसको सेल कर सके, ट्रांसफर कर सके और एक्सचेंज कर सके. सेल कर सके, बेच सके. ट्रांसफर मतलब अभी गुड्स की ओनरशिप किसके पास है? सेलर के पास है. अब उस गुड्स की जो ओनरशिप है उसको किसके पास भेज देंगे? बायर के पास भेज देंगे. एंड एक्सचेंज, फोटो आप देख सकते हैं, गुड्स के बदले में क्या जा रहा है यहाँ पे? मनी. राइट? तो यहाँ पे क्या होता है? एक्सचेंज होता है विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. एंड जो आपको लास्ट याद करना है, फिफ्थ, इनका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना. ओके? सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू लर्न डेफिनेशन. मैं तो अपने टाइम पे यही करती थी. मैं खुद स्कूल में पढ़ती थी तो बिजनेस क्या है उसमें बहुत हेडिंग्स होती हैं, बहुत एक्सप्लेनेशन होते हैं, और एग्जाम में अगर आप परफेक्ट हेडिंग और परफेक्ट कीवर्ड्स लिखेंगे तो आपके मार्क्स कोई नहीं रोक सकता. तो इसलिए स्टूडेंट्स, सबसे बेस्ट तरीका है डेफिनेशन को पॉइंट्स में डिवाइड करिए. राइट? नंबरिंग करिए और उसके बाद उसको कीवर्ड्स याद करिए. राइट? आपकी डेफिनेशन कभी भी गलत नहीं होगी. आई होप आपको ये सजेशन काम आएगा. आपके भी कोई और सजेशंस होंगे तो डू लेट अस नो. ओके?
सो अगेन जस्ट अ क्विक रिविजन, बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसपे रेगुलरली गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस और प्रोक्योर किया जाता है. इनका मेन मोटिव क्या है? सेल, ट्रांसफर एंड एक्सचेंज, गुड्स को बेचना, उसकी ओनरशिप को ट्रांसफर करना और एक्सचेंज करना विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. हमारा यहाँ पे मेन मोटिव क्या है? अगेन टू अर्न प्रॉफिट. आई होप सबको ये समझ में आ गया. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. ओके, नाउ दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट मतलब समझ लीजिए ये आपका एक बेस है. इसी पे पहले चैप्टर का बिजनेस का ये बेस है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमको ये बहुत अच्छे से समझना है. ठीक है, नाउ हम व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, अभी हम क्या डिस्कस करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ओके, लुक एट दिस डायग्राम हियर. फर्स्ट, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अगेन जस्ट अ क्विक टिप फॉर यू ऑल, जो मैं अगेन अपनाती थी अपने टाइम पे. हम सोचते हैं कि बिजनेस बहुत ईजी है, हम रात में एक दिन पहले प्रिपेयर करेंगे और हम क्लियर कर लेंगे. सब यही सोचते हैं एक टाइम पे, बट जब हम एग्ज़ाम में लिखने बैठते हैं, क्योंकि पूरी बुक होती है और फिर लिंक्स देख के हम क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. तो मैंने एक तरीका निकाला था. मैं क्या करती थी, मैं एक कॉपी लेती थी, जैसे छोटे बच्चों को नहीं है आप लिख लिख के याद करते हैं, तो मैं क्या करती थी, मैं हेडिंग्स को कम से कम 5 बार लिखती थी, 6 बार लिखती थी और मुझे याद हो जाता था. जैसे अब ये कितनी हेडिंग्स हैं, 7 हेडिंग्स हैं, तो मैं इन 7 हेडिंग्स को कम से कम 5 to 6 times लिखती थी और वो मुझे याद रहता था एंड तक. सो स्टूडेंट्स, यू कैन यूज़ दिस ट्रिक. अगर आप चाहते हैं अच्छे मार्क्स स्कोर करना और एग्ज़ाम में आप चाहते हैं कि आप हेडिंग्स परफेक्टली लिखो, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं, सो प्लीज़ आप लोग हेडिंग्स को अच्छे से याद करना. ओके, सो फर्स्ट इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. मैं एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट स्लाइड से करूँगी, जस्ट अभी मैं हेडिंग बता रही हूँ आप लोगों को. ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. सेकंड, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है बिजनेस. थर्ड, बिजनेस में सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है. देन डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड प्रॉफिट अर्निंग. आपने एक चीज़ नोटिस की, ये डेफिनेशन का ही की पॉइंट था. अगर आपने रियलाइज़ किया हो, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं, राइट? क्यों? क्योंकि पैसे कमाने के लिए की जाती है. प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमने अभी बिजनेस की डेफिनेशन में मैंने आपको स्लाइड में पढ़ाया. ये देखिए, प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? फिर डेफिनेशन का आगे का पार्ट क्या था, किस लिए होता है? सेल, एक्सचेंज और ट्रांसफर. हम यहाँ पे लिखे हैं सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इसमें इन्वॉल्व होती है. ये भी आपकी डेफिनेशन में था. देन डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, ये भी यहाँ पे है. ये देखिए, रेगुलर. तो अगर आप एक डेफिनेशन याद कर लोगे तो उससे आप कैरेक्टरिस्टिक के पॉइंट्स भी ईजिली क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, राइट? देन प्रॉफिट अर्निंग, मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट. ये भी हमारी कहाँ पे, डेफिनेशन में है, राइट? ये 2 points इसमें बस एक्स्ट्रा आएंगे कि बिजनेस का और क्या कैरेक्टरिस्टिक है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड एलिमेंट ऑफ रिस्क, जो हम आगे फ्लाइट्स में डिस्कस करेंगे. ओके, फर्स्ट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्या आपको यहां पे दिखाई दे रहा है हैंडफुल ऑफ मनी, राइट? तो बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इफ यू रिमेंबर, मैंने फर्स्ट स्लाइड में, फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है. कोई भी एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी, कोई भी एक्टिविटी जो हम अंडरटेक करते हैं फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड, और इसको हम लव, अफेक्शन, sympathy या कोई और sentiment reasons की वजह से यूज नहीं करते. सो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है विच इज अंडरटेकन टू अर्न मनी और लाइवलीहुड, पैसे कमाने के लिए और लाइवलीहुड के लिए जो एक्टिविटी होती है, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. और वही इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? बिजनेस है. क्यों कि हम बिजनेस क्यों करते हैं? अगेन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको डेफिनेशन में ये वर्ड बताया था, प्रोक्योर करना, राइट? सो या तो गुड्स को प्रोक्योर किया जाता है, यानी कि परचेज किया जाता है, राइट? या तो गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है,
एक और चीज मैंने आपको बताई थी, प्रोडक्शन क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, एंड प्रोक्योरमेंट क्या कहलाता है, ट्रेडिंग कंसर्न। आप एक फोटो देखो, मैंने यहाँ पे लगाया है, या तो गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, फैक्ट्री की फोटो है जहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर और गुड्स को क्या किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, राइट। और यहाँ पे देखिए मैंने एक ट्रेडिंग कंसर्न की लगाई है जहाँ पे बने बनाए गुड्स आए हैं और ये लोग क्या करेंगे, उसको आगे सेल करेंगे। ओके, बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू पीपल फॉर कंजम्पशन दे मस्ट बी ईदर प्रोड्यूस और प्रोक्योर्ड बाई बिजनेस एंटरप्राइजेस। अगर सपोज हम कार लेने गए, ठीक है, हम कार परचेज करने गए, तो ऐसा तो नहीं कि वो आपको टायर अलग दे देते हैं, स्टेयरिंग अलग दे देंगे और सीट कवर्स अलग दे देंगे, ऐसे तो नहीं करते, आपको एक पूरी असेंबल्ड चीज़ मिलती है। तो कह रहा है यहाँ पे कि गुड्स को पब्लिक को, लोगों को ऑफर करने से पहले कि वो उसको कंज्यूम कर सके, यूज़ कर सके, या तो उसको प्रोड्यूस करना चाहिए या तो उसको कहीं से प्रोक्योर करना चाहिए। तो बेसिक सी बात कह रहा है कि कस्टमर को गुड्स सेल करने से पहले, ताकि वो उसको कंज्यूम कर सके, हमें या तो गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए या तो प्रोक्योर करना चाहिए। दस एवरी बिजनेस एंटरप्राइज ईदर मैन्युफैक्चर्स द गुड। तो या तो एंटरप्राइजेस क्या करते हैं, ये देखिए वर्ड आ गया, गुड्स को मैन्युफैक्चर करते, बनाते, प्रोड्यूस करते हैं मैन्युफैक्चर के लिए। ये देखिए प्रोडक्शन, या फिर गुड्स को कहीं से अक्वायर करते हैं, राइट। अक्वायर का मतलब क्या हो गया, प्रोक्योर करना। देम फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, कहां से लाते हैं, प्रोड्यूसर्स से, और फिर अल्टीमेटली उसको कहां सेल करते हैं, कंज्यूमर्स को सेल करते हैं या फिर यूजर्स को सेल करते हैं। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स ऑफ डेली यूज, जैसे कि शुगर, घी, पेन, पेंसिल, सोप, जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, या फिर गुड्स कैसे होते हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं, जो जिसमें कैपिटल ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, जैसे कि मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गई, एंड सर्विसेज होती हैं। सर्विसेज आपने कई, हमने कई बार पढ़ा सर्विसेज, सर्विसेज, तो सर्विसेज क्या होती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हो गई, बैंकिंग की सर्विस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, तो ये सारी सर्विसेज हमें क्या की जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं, राइट। तो बिजनेस में या तो गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, सर्विसेज को, या तो प्रोक्योर किया जाता है, और फिर अल्टीमेटली उसको कंज्यूमर्स को सेल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये बोलता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको सेल और एक्सचेंज किया जाता है, ताकि जो हमारी ह्यूमन नीड्स है वो क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके। सी दिस पिक्चर, गुड्स के बदले में हमें एक्सचेंज किया हमने यहाँ पे, राइट, मनी, और खुशी देख रहे हैं दोनों के चेहरे में, यहाँ पे सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। ओके, सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। चाहे आप डायरेक्टली बात करो चाहे इनडायरेक्टली, बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें गुड्स को ट्रांसफर किया जाता है, किसके लिए, किसी ना किसी वैल्यू के लिए। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेल बट से फॉर इंटरनल कंजम्पशन, यहाँ पे देखिए वर्ड इंटरनल कंजम्पशन, मतलब गुड्स को सेल के लिए नहीं बनाया गया है और उसको इंटरनल खुद के कंजम्पशन के लिए यूज किया जा रहा है, इट कैन नॉट बी कॉल्ड, ये देखिए इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। तो उस एक्टिविटी को हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं, अगर किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस किया, सपोज आपने केक बनाया, ठीक है, और केक क्यों बनाया, सेल करने के लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए बनाया, तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। ओके, सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने एक और दिया है, कुकिंग फूड एट होम फॉर द फैमिली इज नॉट बिजनेस। जब घर में फैमिली वालों के लिए खाना बनता है तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, राइट। बट वहीं अगर वही खाना रेस्टोरेंट में बनता है जो कि कंज्यूमर्स को सर्व किया जा रहा है और उसके बदले में क्या अर्न कर रहे हैं, मनी अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा, राइट। दस वन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इज दैट देयर शुड बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड। तो बिजनेस का एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है कि गुड्स का सेल और एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है, किसके बीच में, सेलर के बीच में और बायर के बीच में। तो ये दो पार्टीज क्या होनी चाहिए, इन्वॉल्व होनी चाहिए, और इनके बीच में क्या होना चाहिए, कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा। तो यहां पे अगर हम फोटो देखें, अगर आप ये फोटो देखें, तो वी कैन सी
ये कौन है? फिलहाल तो अभी हम सोच रहे हैं गुड बिका नहीं है, तो ये सेलर है और ये बायर है और ये अभी इसको गुड्स देगा, राइट, और उसके बदले में वो उसको मनी देगा, राइट. तो अभी वो क्या कहलाएगा? बिजनेस कहलाएगा. बट एक और इसमें शर्त आती है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैसा होना चाहिए? रेगुलर होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा? बिजनेस कहलाएगा. आई होप इट इज क्लियर. समझ में आ गया सबको? सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, रेगुलर बेसिस. अभी हमने आपको पीछे लिख के दिया था ये बात. सो डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस. मैंने पहले लेक्चर्स में भी आपको ये एग्जांपल दिया था. अगर आपने अपना कोई पुराना सामान बेच दिया, या सपोज आपने कोई सामान एक बार बेचा है, या कोई भी चीज़ आप रेगुलरली नहीं कर रहे हो, अगर सपोज आपने अपनी कार सेल की और उससे आपको प्रॉफिट मिल गया, लेकिन क्योंकि वो वन टाइम था और आप रेगुलरली नहीं कर रहे थे, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा. लेट्स रीड इट. क्या है ये? एक और चीज़ स्टूडेंट्स, दीज आर परफेक्ट नोट्स. आप परफेक्टली इसको यूज़ करके सिर्फ इसी को पढ़िएगा. इट इज़ सफिशेंट फॉर यू. इसमें सब कुछ कवर है आपके लिए. ओके, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस. बिजनेस इन्वॉल्व्स डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो बिजनेस में हम जो भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं वो किस बेसिस पे हो रही है? रेगुलर, रोजाना. वन सिंगल ट्रांजैक्शन. एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, कोई भी वन सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल, अगर एक बार कोई भी सेल या परचेज हो रही है उसके बाद नहीं हुई है, तो वो बिजनेस बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा. दस फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन सेल्स हिज और हर डोमेस्टिक रेडियो सेट. किसी ने अपने घर का रेडियो सेट क्या किया? सेल कर दिया, इवन एट अ प्रॉफिट, और उसको प्रॉफिट भी हुआ उसको सेल करने में, देन ऑल्सो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी. तो भी बच्चों वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगा. ओके, राइट. बट कोई है जो रेडियो का बिजनेस ही करता है, उनका ये बिजनेस है और वो रेगुलरली ये ट्रांजैक्शंस कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? बिजनेस कहलाएगा. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इट शुड बी ऑन अ रेगुलर बेसिस. रेगुलरली बिजनेस होना चाहिए. फिफ्थ सेज, प्रॉफिट अर्निंग. बिजनेस में प्रॉफिट कमाना बहुत जरूरी है. सो वन ऑफ द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू अर्न इनकम, राइट. बिजनेस का मेन मोटिव क्या है? इनकम कमाना, पैसे कमाना विद द वे ऑफ प्रॉफिट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता, टिका नहीं रह सकता, लंबे समय तक नहीं चल पाएगा अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा, राइट. अगर प्रॉफिट नहीं कमा रहा है तो यानी कि उसकी जो कॉस्ट है वो क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है. और प्रॉफिट नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो इनकम है वो क्या हो रही है? या तो इसके बराबर हो रही है या तो कम हो रही है, राइट. तो ऐसी सिचुएशन में अगर उसको एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, राइट. और प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. इसीलिए बिजनेस हमेशा क्या करता है, इफ़ यू कैन सी द वर्ड्स हियर, ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाता है ताकि वो प्रॉफिट्स को क्या कर सके? मैक्सिमाइज कर सके. मैक्सिमाइज कर सके मतलब इंक्रीज कर सके. कैसे? बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल्स और रिड्यूसिंग को. दो तरीके होते हैं, या तो वो क्या कर सकता है? सेल बढ़ा देगा अपनी. जितनी सेल बढ़ाएगा उतना ही प्रॉफिट होगा, जितना बिकेगा सामान, राइट. या फिर कॉस्ट कम कर देता है. तो कॉस्ट कम करने के बहुत से तरीके होते हैं, जैसे कि गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो उसने लार्ज स्केल में कर दिया, बहुत लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे उसकी लागत क्या हो रही है? बहुत कम आ रही है, राइट. तो फिर वो क्या कहलाएगा? तो बेसिकली लोग ऐसा क्यों करते हैं, बल्क में क्यों करेंगे? ताकि जो कॉस्ट है वो कम आ जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाए? सेल कर पाए. सो बहुत से तरीके होते हैं बिजनेस अपनाता है ताकि वो अपने प्रॉफिट्स को क्या कर सके? व्हाट इज़ द वर्ड? मैक्सिमाइज कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को बढ़ा सके. यू कैन सी द डायग्राम हियर, मैंने ऊपर जाते हुए आ रहे हो दिखाया है. तो हमेशा प्रॉफिट इंक्रीज करने के बारे में बिजनेस सोचता है. Uncertainty of return. Uncertainty, किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है. जैसे मैंने लास्ट में दिखाया कि प्रॉफिट ऊपर ही जा रहा है, बट क्या किसी चीज़ की गारंटी है आज की डेट? कोरोना हो जाएगा, इतने दिन हम लोग घर पे बैठ जाएंगे, ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी, क्या किसी ने सपने में भी सोचा था? मैं तो नहीं सोचा था कभी कि मैं इतने दिन घर पे रह सकती हूँ और इतने टाइम हम काम पे नहीं जाएंगे. सो बेसिकली अनसर्टेनिटी क्या है? जो हमें पता ना हो, एक ऐसा इवेंट जो कभी भी हो सकता है, राइट, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. ओके,
सो बिजनेस में भी क्या होता है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होता है. रिटर्न मतलब प्रॉफिट होगा लॉस होगा, हमें नहीं पता है, इस चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं होती है. Uncertainty of return refers to the lack of knowledge relating to the amount of money that the business is going to earn in a given period. अब मैंने बोला भाई हमें तो प्रॉफिट होगा ही होगा इस साल, और इतना प्रॉफिट होगा क्या. अब जैसे स्टार्टिंग में सपोज जैन फेब मार्च में किसी ने अपना प्लानिंग की थी, इस साल हम ये बिजनेस करेंगे, ठीक है, और हमारा इतना प्रॉफिट होगा, बट कोरोना आ गया, राइट, कोरोना के टाइम पर सब कुछ बंद हो गया, राइट. तो ऐसी सिचुएशन में क्या हमने प्लान किया था, क्या वैसी हो गई. हमें नहीं पता कि आगे जाके हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, क्योंकि हर चीज़ क्या होती है, अनसर्टेन होती है, राइट. सो बिजनेस में लोगों को नहीं पता कि वो कितना पैसा कमाएंगे और कितना पैसा नहीं कमाएंगे. एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी टू रन बिजनेस. बिजनेस तो ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको पैसे पहले लगाने पड़ते हैं, तभी आप बिजनेस क्या कर पाओगे, स्टार्ट कर पाओगे. तो बिजनेस में सबसे पहले आपको पैसे क्या करने पड़ते हैं, इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, राइट. इन्वेस्ट करने के बाद ही आप घर सामान लाओगे, या तो प्रोड्यूस करोगे या प्रोक्योर करोगे, फिर उसको बेचोगे विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. और ऐसा क्यों करोगे आप, ताकि प्रॉफिट अर्न कर सको. बट इट इज़ नॉट सर्टेन एज टू व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी अर्नड. पर क्या हमें ये पता है कि कितना प्रॉफिट एग्जैक्टली हम अर्न कर लेंगे, हमें ये चीज़ नहीं पता. हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, हम इस चीज़ को बस अज्यूम कर सकते हैं, या इस चीज़ को फोरकास्ट कर सकते हैं, राइट. ये सब वर्ड्स हैं, राइट, अनसर्टेन के. हमें चीज़ नहीं पता, हम आगे क्या कर सकते हैं, उसको फोरकास्ट कर सकते हैं कि आगे ऐसा हो सकता है, राइट. यहाँ पे कह रहा है ऑल्सो देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज. ऐसा भी हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि लॉस भी हो जाए इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स. भले ही आपने बहुत मेहनत की हो, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि आपको लॉस हो सकता है. तो बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसमें अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होता है. बिजनेस में कोई भी गारंटी नहीं होती कि आपको प्रॉफिट होगा ही होगा. ऐसा भी हो सकता है कि आपने बेस्ट एफर्ट्स लगाए, अपनी पूरी मेहनत की, और उसके बाद भी आपको लॉस हो सकता है. ओके, एंड सेवेंथ पॉइंट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क. बिजनेस में रिस्क हाई भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, लो भी हो सकता है. बिजनेस में कभी कम रिस्क होता है, कभी ज़्यादा रिस्क होता है, हमें नहीं पता. बिजनेस क्या, एक तरीके का रिस्क है. अगर आप ये सोचो कि आप बिना रिस्क के कोई भी बिजनेस कर लोगे, तो ऐसा नहीं है. जो जितना ज़्यादा रिस्क उठाता है, कहीं ना कहीं रिस्क है. क्या है रिस्क, इज़ द रिवॉर्ड. मैं आपको एक लाइन बताती हूँ, यहाँ पे हम बारे में बोलते हैं रिस्क इज द रिवॉर्ड प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर द रिस्क बींग टेकन. जो बिजनेस रिस्क लेता है, उसको रिवॉर्ड प्राइस किस फॉर्म में मिलता है, प्रॉफिट के फॉर्म में मिलता है. तो अगर आप सोचो कि आप रिस्क को अवॉइड कर दोगे बिजनेस में, तो ऐसा नहीं है. जो जितना ज़्यादा, कहते हैं ना, ऐड आता है डर के आगे ही जीत है, राइट. तो जितना ज़्यादा बिजनेस में आप रिस्क लोगे, रिस्क के तौर पे ही आपको एक रिवॉर्ड मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, राइट. लेट्स रीड इट. रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर टू लॉस. रिस्क क्या है, एक तरीके की अनसर्टेनिटी है, जिसका पूरा एक्सपोजर, मतलब वो किस तरफ हमें ढकेलती है, लॉस की तरफ. इट इज कॉज बाय सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट्स. रिस्क क्या होता है, जो अनफेवरेबल है, जिसको हम नहीं चाहते हैं, अनडिजायरेबल, जो हम नहीं चाहते. कुछ ऐसी चीज हो जाती है जिसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है. पीपल एंगेज इन बिजनेस अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट. अब जो लोग बिजनेस में एंगेज होते हैं, वो कैसे पैसे कमाते हैं, प्रॉफिट के तौर पे, राइट. प्रोफेशन इंक्लूड दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज. नाउ अगर आप सेकंड पीपीटी याद करो, तो मैंने आपको बताया है प्रोफेशन क्या होता है. प्रोफेशन जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, इनको क्या चाहिए, स्पेशल नॉलेज और स्किल्स चाहिए, राइट. देन कंज्यूमर का टेस्ट, फैशन चेंज हो गया, राइट. फैशन चेंज होता रहता है,
कभी कपड़ों में फैशन चेंज हो जाता है, आजकल नया फैशन है, आजकल बैगी जीन्स का फैशन आ गया है, राइट? तो हम क्या करते हैं, कस्टमर के जो चेंजेस टेस्ट और प्रेफरेंसेस होते हैं वो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। जैसे आज की डेट में लोग बड़े फिटनेस कॉन्शियस हो गए हैं, तो लोग क्या करते हैं, बहुत ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खरीदने लग गए, राइट? तो इसकी वजह से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, राइट? देन इसके अलावा मार्केट में कॉम्पिटिशन हो गया, फायर लग गई, चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई। तो अगर आप सोचो कि कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के काम कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। नो बिजनेस कैन ऑल टुगेदर डू अवे विथ रिस्क। कोई भी अपने आप को बिजनेस, मतलब बिजनेस कोई भी अपने आप को रिस्क से बचा नहीं सकता। तो इसीलिए रिस्क, एलिमेंट ऑफ रिस्क, बिजनेस क्या है, एक एलिमेंट ऑफ रिस्क है, मतलब उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता ही होता है। सो दीज वर द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, बट आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अ क्विक रिविजन बिफोर आई एंड दिस। बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इसका मेन प्रॉफिट क्या है, जल्दी से आंसर बताइएगा, इसका मेन प्रॉफिट क्या है, मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। देन प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में या तो गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, या तो उसको प्रोक्योर किया जाता है, कहीं से ला के उसको बेचा जाता है। देन सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें गुड्स का सेल और एक्सचेंज होता है, बेचा जाता है और एक गुड्स को एक सेलर से बायर को दिया जाता है। देन मेन मोटिव क्या है कि जो बिजनेस हो रहा है वो कैसे होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। वन टाइम ट्रांजैक्शन अगर कुछ भी हो रहा है तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। इनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती है, अगर आप सोचें कि हर सिर्फ प्रॉफिट ही होगा तो ऐसा नहीं है। बिजनेस क्या है, एक एलिमेंट ऑफ रिस्क है, जैसे कि कंपटीशन, आपका कंपेटिटर्स बहुत सारे हैं, आपकी चोरी हो गई, आग लग गई, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया, फैशन टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंज हो रहे हैं, बहुत से रीज़न होते हैं, गवर्नमेंट फैक्टर्स होते हैं। सो रिस्क क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और कोई भी बिजनेस अगर सोचे कि वो रिस्क के बिना सर्वाइव कर सकता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉफिट क्या है, एक तरीके का रिवॉर्ड है अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा, कैरेक्टरिस्टिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ मेक श्योर टू रिवाइज इट एंड लर्न इट, क्योंकि आगे बहुत काम आएगा ये आपके। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।